प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आसाम राइफल की भर्ती का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। सभी नौजवानों को बहुत कमेंट्स आते थे और ये नोटिफिकेशन भी कई दिन से घूम रहा था, तो इसके बारे में जांच किया क्योंकि हमारे को थोड़ा डाउट इसलिए हो रहा था कि इसके अंदर टोटल वैकेंसियां दिया गया है 161। इतना कम वैकेंसी आसाम राइफल में कभी नहीं आता था, बल्कि वैकेंसियां ज़्यादा बढ़ और जाती थी बाद में। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है आसाम राइफल का, इसके लिए वैकेंसियां दिया गया है 161। इसके अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की भर्ती है, टेक्निकल और ट्रेड्समैन की। ये ऑल इंडिया ओर पे भर्ती, आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, मेल हो फीमेल हो, इसके लिए फार्म अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10वीं पास और 12वीं पास। एज लिमिट है 18 साल से लेकर 23 साल तक। ओबीसी एससी एसटी को इसमें 3 साल और 5 साल का छूट दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए बताते हैं, इसका जो फार्म भरने का डेट है वो है 21 अक्टूबर से आपके ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे और 19 नवंबर फार्म भरने का लास्ट डेट है, यानी 19 नवंबर तक आप अपना फार्म फिलअप कर देना, उसके बाद कोई डेट नहीं बढ़ाया जाएगा, फार्म भरने का डेट निकल जाता है। आप कमेंट्स करके पूछते हो कि सर इसका फार्म अभी भरा जाएगा क्या, इसलिए दोस्तों 21 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक आप अपना ऑनलाइन फार्म भर देना। इसका जो रैली डेट है वो है 18 दिसंबर, 18 दिसंबर को आपका भर्ती स्टार्ट हो जाएगा। इसका वेबसाइट भी है पूरा डिटेल लेने के लिए, www.assamrifles.government.in। इसके लिए जो वैकेंसियां हैं वो है ब्रिज एंड रोड, ये मेल फीमेल के लिए जो ट्रेड दिया गया है, ब्रिज एंड रोड मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10वीं पास और आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। दूसरा वैकेंसी क्लर्क मेल और फीमेल के लिए, इसमें 12वीं पास 12th पास और आपको टाइपिंग आना चाहिए। तीसरा वैकेंसी है रिलीजन टीचर, धर्मगुरु जिसको बोला जाता है, जो डिफेंस के अंदर होता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च उनमें पूजा के लिए जो होते हैं उनको डायरेक्ट जेसीओ से लिया जाता है, उनको धर्मगुरु बोला जाता है। उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन। तीसरा है ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, यानी कि जैसे सिग्नल मैन होता है, सिग्नल का काम करना पड़ता है टेलीफोन वगैरह का, इसके लिए 10वीं पास और ITI मांगा गया है। अगला वैकेंसी है रेडियो मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक का, इसमें 10वीं पास एंड डिप्लोमा और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या आप 12वीं पास हो और नॉन मेडिकल से आपने 12th पास किया हो। अगला वैकेंसी है आर्मोर होता है जो हथियारों की देखभाल करता है, हथियारों को रिपेयर करता है, फायरिंग के दौरान सेना के अंदर जो हथियार होते हैं उनमें कोई टूट फूट हो जाता है तो उनको रिपेयर करने के लिए आर्मोर होता है, जो हथियारों को ठीक करता है आर्मोर बोला जाता है। उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है सिर्फ 10वीं पास। लैब असिस्टेंट का वैकेंसी के लिए मांगा गया है 10वीं पास। नर्सिंग के लिए मांगा गया है नर्सिंग असिस्टेंट 10वीं पास और आपको नर्सिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। कुक के लिए मांगा गया है 10वीं पास और वाशरमैन के लिए मांगा गया है 10वीं पास, आपको कपड़े धुलाई वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। इस बार इसके अंदर कुछ चेंजमेंट किया गया है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसके लिए पहले आपका फिजिकल होगा, आपके शरीर का नापतोल होगा, आपका रनिंग वगैरह कराया जाएगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा और फिर आपका मेडिकल एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। रिटन एग्जाम के अंदर, रिटन एग्जाम में आएंगे आपके 4 सब्जेक्ट, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट है। 25-25 क्वेश्चन आएंगे और 25-25 ही आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही आपको मार्क्स मिलेंगे और आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है, आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा और 2 घंटे आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है जैसे बाकी होता है, ऐसे एग्जाम नहीं होगा, आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। इसके अंदर जो आपका फिजिकल वगैरह के लिए आपका नाप तोल कितना होना चाहिए, जनरल कैटेगरी ओबीसी और एससी का मेल कैंडिडेट का हाइट मांगा गया है 170 सेंटीमीटर,
फीमेल का मांगा गया है 157 सेंटीमीटर, एसटी का मेल का 162.5 और फीमेल का है 150 सेंटीमीटर। इसके अंदर चेस्ट का नाप है, जनरल कैटेगरी ओबीसी और एससी का है 80 से 85 मेल कैंडिडेट का, एसटी का है 78 से 83। इसके अंदर जो रनिंग होगा वो मेल कैंडिडेट का होगा 5 किलोमीटर का और उसमें आपको 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा, फीमेल का होगा 1600 मीटर का जिसमें आपको 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा रनिंग के लिए। इसके लिए जो फार्म फीस रखा गया है वो रखा गया है 200 रुपये और 100 रुपये बी और सी पोस्टों के लिए। ये फार्म फीस लगेगा सिर्फ जनरल और ओबीसी कैटेगरी का, एससी एसटी का और एक्स सर्विसमैन का फीमेल का कोई भी फार्म फीस नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसका पूरा हमने जानकारी दे दिया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसकी वेबसाइट पर जाके सर्च करते हो, आसाम राइफल की ये भर्ती आई है, आपका जॉब लोकेशन नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही रहेगा।